हेलो फ्रेंड्स, हमने सोइंग के चैप्टर में तीन टाइप के सोस देखे थे, बेंड सो, सर्कुलर सो एंड हैक्सो। ये हमारा वर्कशॉप का हैक्सो मशीन है, मैं उसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो एक ड्राइविंग पुली के साथ अटैच किया हुआ है और वो बेल ड्राइव से ड्राइव कन्वर्ट करता है ये ड्रिवन पुली को, और वो पुली मशीन के साथ में अटैच किया हुआ है। इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करेंगे, मोटर स्टार्ट होगा और पुली का रोटेशन स्टार्ट होता है। ये जो है वो मशीन का रैम है, वो रेसिप्रोकेटिंग होता है, लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट होता है। यहाँ पे ब्लेड फिक्स किया हुआ है, जो ब्लेड हैक्सो ब्लेड कहलाती है वो कैसे काम करती है वो अभी हम आगे देखेंगे। ये मशीन का वाइस है, जहाँ पे हमको वर्कपीस को क्लेम करने का होता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्कपीस है, उसको हमको दो पीस में कटिंग करना है। तो जैसे मैं ये वर्कपीस को यहाँ पे क्लेम किया हूँ, ये एक होल्डर है, जहाँ से जब मशीन वर्किंग में नहीं होता है तो ये जो आपका पूरा रैम है वो नीचे ना गिरे, उसके लिए यहाँ पे एक होल्डर दिया हुआ है। अभी मैं ये मशीन स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तभी उसका कटिंग स्टार्ट होता है, और रिवर्स स्ट्रोक में उसका कटिंग नहीं होता है। और जितना ही ये अपने खुद के वेट से उसका फीलिंग होता है, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाता है। इस तरह से हमारा हैक्सो का वर्किंग होता है। थैंक यू।